दमोह के गंगा जमुना स्कूल में टॉपर छात्राओं में शामिल हिंदू छात्राओं को पोस्टर में हिजाब पहने दिखाए जाने के बाद शुरू हुए विवाद में स्कूल प्रबंधन घिरता नजर आ रहा है। इस मामले की जांच करने पहुंची मध्य प्रदेश बाल कल्याण आयोग की टीम ने जांच में गंभीर खामियां पाई जो हैरान कर देने वाली थी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि स्कूल की मान्यता समाप्त होने के बाद अब स्कूल पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में टॉपर छात्राओं में शामिल हिंदू लड़कियों को पोस्टर में तथाकथित रूप से हिजाब पहने दिखाए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद अब स्कूल प्रबंधन के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। मामले की जांच में स्कूल प्रबंधन की गंभीर खामियां सामने आई हैं और इन आरोपों के चलते अब स्कूल पर बड़ी कार्यवाही तय मानी जा रही है। वहीं देर शाम संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग सागर ने स्कूल की मान्यता को निलंबित कर दिया है। हालांकि इसके पीछे कारण व्यवस्थाओं की कमी बताई गई है। वहीं मामले की जांच करने पहुंची मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की टीम को जांच के दौरान स्कूल में उर्दू भाषा की किताबें और कई ऐसी खामियां सामने आई जो हैरान कर देने वाली थी। हमने स्कूल का निरीक्षण भी किया। स्कूल में जो दस्तावेज हैं बच्चों के, जो उनके आवेदन हैं, उनकी मार्कशीट है और भी दस्तावेज हमने देखे हैं। सारे दस्तावेजों में सारे बच्चे, मतलब सारी जो बच्चियां हैं, चाहे वो कोई धर्म की हो, वो गले को, सिर को ढके हुए हैं, हिजाब ही है वो, और हिजाब पहने हैं। और हमारी गैर मुस्लिम जो बच्चियां हैं वो कभी भी सिर नहीं ढकती। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई परंपरा है नहीं कि वो कभी ढकें। ये तो मर्यादावश जो बड़ी उम्र की हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो जरूर सिर ढकती हैं, वो भी आदर के साथ में, बड़ों के आदर के लिए वो मर्यादाएं में वो ढकती है। मगर यहाँ सारी की सारी बच्चे हिजाब लगाई थी और कुछ पेरेंट्स से भी हम मिले, उनको ये जानकारी नहीं थी उनकी बच्चियाँ स्कूल में हिजाब सिर को ढकती हैं, हिजाब पहनती हैं। लेकिन उनको जब ये घटना हुई, इस घटने के बाद में ये जानकारी मिली, उस स्कूल में जाके मेन गेट पर कोई उनको हिजाब पहनाता था, सिर उनका ढकता था। ये बड़ा आपत्तिजनक है। इससे हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं और भी जो धर्म हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और अनायास स्कूल ने अपने आप को विवाद की तरफ ले लिया। मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल प्रबंधन पहले ही बैकफुट पर आ गया था। स्कूल संचालक के द्वारा स्कूल में तथा कथित हिजाब की अनिवार्यता समाप्त कर उसे ऐच्छिक किए जाने की बात कही गई है। हालांकि इस दौरान कई अन्य आरोपों पर जांच का हवाला देकर स्कूल संचालक ने चुप्पी साध ली है। इस साल हमारे बच्चों ने जो है 10th क्लास बोर्ड में जो है काफी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो उनका एक फ्लेक्स बना के बच्चों को बधाई देने के लिए बाहर उसको लगाया गया। उस बोर्ड के ऊपर से फ्लैक्स पे कुछ लोगों को आपत्ति है, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमारी सोसाइटी ने जो है एक रेजुलेशन पास किया है कि इसमें अब स्कार्फ के साथ साथ दुपट्टे को भी जो है स्वेच्छापूर्वक जो बच्चे चाहते हैं दुपट्टा पहने या स्कार्फ जो भी लगाना चाहते हैं। वहीं इन बातों के बीच कलेक्टर मयंक अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने भी संयुक्त रूप से वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि जांच टीम सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखते हुए आरोपी स्कूल प्रबंधन के विदेशी फंडिंग की जाँच कर FIR की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त जाँच के आदेश दिए गए थे, तत्काल प्रभाव से फिर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई SDM और SDOP के साथ में, और जब कमेटी जांच करी रही थी उसी बीच में जो संचालक संस्था थी उसके द्वारा हमें ऐसा बताया गया और उन्होंने अपनी समिति का एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उन्होंने जो बंधन ड्रेस कोड था उसको चेंज किया है और अनिवार्यता जो स्कार्फ पहले लगाया जाता है उसको चेंज किया गया है। और इसी के साथ में जो मॉर्निंग में प्रेयर रहती थी उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो जनगणमन ही रहेगा। सर अभी जांच में क्या सामने आया? जांच क्योंकि कमेटी बनाई है और पहले हमने क्या कहते हैं तहसीलदार के अंडर बनाई थी, फिर उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुआ था तो हमने हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, तो अभी जाँच जारी है। ऊपर जाँच में कई सारे हमारे पास ज्ञापन भी आए हैं और अलग बिंदु भी आए हैं, इसके अलावा तो सारे मैटर पर वो जाँच करेगी। जो स्कूल में जो उनके ड्रेस कोड में है वो स्कार्फ के तरह था, बच्चे स्कार्फ पहनते थे ऐसा ड्रेस कोड में था। नहीं, प्रथम दृष्टिया ऐसा पाया गया कि 2012 से ये ड्रेस कोड लागू था और ये फोटो जो सामने आई थी उससे ये पता चला था,
उसके बाद से ये मामला हमारे भी संज्ञान में आया है और जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने उसको वापस लिया है। बिंदु उसके रजिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड है, मान्यता से भी रिलेटेड है, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा मगर जल्द से जल्द हम उसको कंप्लीट करा देंगे। सर, स्कूल क्या सरकारी कुछ फंड पर भी? हाँ, ये माइनॉरिटी स्कूल है तो इसको केंद्र शासन से अनुदान प्राप्त स्कूल है तो मिलता है इसको अनुदान। गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही स्कूल प्रबंधन को किसी बड़ी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।